मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जो इतने कोरोना के केस और इतनी मौतें भारत देश में हो रही हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हर चीज का दोष सरकार के माथे पर मढ़ना सही है? क्या सारी गलती सरकार की है, या फिर ये कहिए कि सरकार को नीचा दिखाना एक हमारा एजेंडा बन चुका है, क्योंकि हम लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए सारा दोष सरकार पर थोप देते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन लोगों को कोरोना वायरस एक मजाक लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज आपको पता चल जाएगा कि क्यों भारत में कोरोना केस की तादाद दिन पे दिन बढ़ रही है, क्यों रोज इतनी मौतें हो रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, इस समय आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसको देखकर क्या लगता है, क्या इन लोगों में कोरोना वायरस का डर है? इस भीड़ को देखकर आप सिर पर हाथ रख लेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि जब देश में हर रोज लगभग 4 से 4.5 लाख कोरोना के मामले आ रहे हैं, करीब 4,000 लोगों की मौतें हो रही हैं, वहां सड़कों पर ऐसी भीड़ कैसे निकल सकती है? लेकिन यह तस्वीर हिंदुस्तान में निकल रहे 4 लाख कोरोना मामले के पीछे की सच्चाई है, जो बहुत ही घातक है। मित्रों, पतली सी गलियों में इन लोगों की भीड़ में ना ही किसी ने मास्क लगाया है और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है। इस्लाम के धर्म गुरु हजरत शेख अब्दुल हमीद की मृत्यु हुई तो उनके जनाजे पर हजारों लोग शामिल हो गए। यहाँ तक कि सड़कों पर पैर रखने की जगह भी नहीं बची और मैदान भी छोटे पड़ गए। मित्रों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस भीड़ से कोरोना वायरस फैलेगा तो ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत होगी, तो क्या ये जरूरत पूरी की जा सकेगी? मित्रों, इसका जवाब है नहीं। ये जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। फिर हम जिम्मेदारी सरकार की तय करेंगे, फिर हम सवाल सरकार से पूछेंगे। लेकिन मित्रों, हम लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे, कब इस बात को समझेंगे कि हमारी लापरवाही की वजह से कोरोना 4 लाख के आंकड़ों को हर दिन पार कर रहा है? मित्रों, ऐसी ही एक तस्वीर हैदराबाद से सामने आई है। शुक्रवार को हैदराबाद के मक्का मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे और यहां भी वही हाल था, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो वहीं कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगा रखे थे। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं इतनी भीड़ में मास्क कितना कामयाब रहा होगा। मित्रों, हैदराबाद की एक और तस्वीर देखिए। ये बाजार की तस्वीर है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोरोना वायरस की एंट्री ही बंद है। चलिए अब आपको एक ऐसी ही तस्वीर और दिखाते हैं जो एक सब्जी मंडी की है। ये कोटा की सब्जी मंडी है। यहाँ लॉकडाउन ना के बराबर ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। ये तस्वीर लॉकडाउन की सारी कोशिशों पर पानी फिर रही है। इस तस्वीर को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे ना यहाँ पर कोरोना है और ना ही कोरोना का डर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तो वहीं इतनी भीड़ के बावजूद भी लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। इसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो गोरखपुर की सब्जी मंडी की है। यहाँ भी लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और बिना मास्क के बेरोक टोक भीड़ लगा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। मित्रों, ये तस्वीर भुवनेश्वर की सब्जी मंडी की है। ये भीड़ भी कोरोना को रोकने के लिए की गई सारी कोशिशों पर पानी फेर रही है। मित्रों, शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार है ही नहीं कि लोगों की ये लापरवाही उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल रही है। और ऐसी ही ये तस्वीर गोंडा गांव की है, जहां शादी का जश्न मनाया जा रहा है। इतनी भीड़ है कि कोरोना को रोकना असंभव है। नाच गाने में डूबे हुए इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि शायद कोरोना की वजह से ये जश्न मातम में बदल सकता है। मित्रों, अब सवाल ये है कि जब तक हम खुद लापरवाही करेंगे, सड़कों पर भीड़ लगाएंगे, लाखों लोगों की भीड़ में शामिल होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो फिर इसका जिम्मेदार सरकार क्यों? मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या अब भी दोष सरकार का ही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, कोरोना से लड़ने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर अभी नहीं संभले तो फिर कभी संभल नहीं पाएंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।